किसान भाई नमस्कार। किसान न्यूज की विस्तृत रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत रहेगा। सोलन मंडी से जिस तरह से हम रोजाना अपडेट लेकर आते हैं, आज हमारे साथ एक और नए आरती भाई जुड़े हैं जो कि 148 नंबर शेड और वेदांत फ्रूट ट्रेडर्स काकू भाई जो कि मंडी के प्रधान भी है, और इन्हीं से आज का अपडेट लेते हैं। क्या बाजार रहे हैं आज के सेब को लेकर, पीएस को लेकर और बाकी जो जितनी भी वराइटीज रहती है सेब को लेकर, वो सारी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ बागवान भाई और कुछ व्यापारी भाई भी हमारे साथ है, तो उन सभी से बातचीत करते हैं और माहौल जानते हैं सोलन मंडी में सेब को लेकर। तो काकू भाई स्वागत है पहले तो किसान न्यूज़ को। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आप हमारी मंडी में आए। जी काकू भाई, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आवके कैसी है मंडी में, कितना पेटी सेब जो है वो आज पहुँचा होगा? मेरे ख्याल से शायद 30 से 35 हज़ार पेटी आज भी जरूर सोलन मंडी के अंदर होगी। रोज़ाना मतलब इतनी? हाँ रोज़ाना ये 30, 35, 40, किसी दिन 40, किसी दिन 35, बस यही एवरेज, एक दिन थोड़ा कम एक दिन ज़्यादा। जी और इसमें मोस्टली रॉयल सेब ज़्यादा आ रहा होगा? हाँ रॉयल तो नेचुरली बात है, रॉयल ज़्यादा ही आएगा। जी आजकल रेड रॉयल भी काफ़ी आ रहा है मंडी में, मैं देख रहा हूँ हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। रेड भी आ रहा है, रॉयल भी, सब वराइटी, अब तो हर चीज़ चल पड़ी ना, आपको ऐसी नहीं कि भाई पर्टिकुलर एक चीज़ आ रही है, रॉयल भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, स्पर बहुत कम हो गया, स्पर आ रहा है बहुत कम। जी तो रॉयल से शुरुआत करते हैं, रॉयल का मार्केट आज का क्या है, ऊपर नीचे क्या है, सुपर टॉप क्या है, मीडियम कितना, एवरेज का माल जो है क्या बिक रहा है और लोएस्ट रेट में बी ग्रेड क्या बिक रहा है? रॉयल जो हाईएस्ट है शायद मेरे पास तो 2100 रुपये तक बिका है, लेकिन शायद मंडी में 2200 रुपये भी बिका होगा शायद, जो मेरी मंडी में बिका, मेरी मंडी में आज रोडू का माल बिका है एक, वो 2100 रुपये बिका है, बाकी एवरेजन 15, 16, 17 रुपये माल बिकते रहे। किसानों से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आराम से थोड़ा इतना जल्दबाजी ना करें, मार्केट यहाँ स्टिल रहेगा, यहाँ से नीचे मार्केट आने की संभावना नहीं है। लेकिन संभावना तब घट जाती है जब आदमी एकदम भंगदड़ में जा देते हैं, कि बस हर आदमी तोड़ने लगे, हर आदमी टिक के आराम से सेब आए, क्वालिटी आए, तो सेब का रेट नहीं जाएगा। क्वालिटी 2000 से 2200 रुपये के बीच, मेरा अपना मानना है कि 2000 से 2200 रुपये के बीच क्वालिटी बिकती रहेगी। माल तैयार हो पूरा तभी लेकर आए, तैयार रहा, कच्चा माल ना लाए किसान। जी काफ़ी कंप्लेंट इस तरह की आ रही है, कच्चे माल में ना जैसे रेट पीछे बहुत ज़्यादा हो गए तो लोग एकदम से सब तोड़ने लग गए, किसान आराम से तोड़े, कहीं मार्केट नहीं जाती है। 2200 आज भी है, देखो इतने रश में भी आज भी 2200 रुपये माल बिक रहे हैं। जी रेड ऑयल का मार्केट क्या चल रहा है आजकल? रेड का 15, 16, 17 रुपये रेड बिका है, बहुत सुपर है। हाँ सुपर, हाँ ठीक है, अच्छा माल बिकता है। जी और अगर बी ग्रेड 800-900 रुपये बी ग्रेड बिक रहे हैं। जी रॉयल का भी रेट क्या बिक रहा है वैसे? 800-900 रेड गोल्डन 1000, 1100, 1200 कोई 1300-1350 एक लॉट बिका है मेरे पास। जी सीओ कोटखाई का माल था सीओ का। जी तो उसका 1350 बिका, बाकी तो एवरेजन ये 1000, 1100, 1200, 1100, 1200 रुपये बिक रहे। और रिचर्ड? रिचर्ड 15, 16, 17 रुपये देख देख के क्वालिटी है, 17, 18 तक बिक जाता है रिचर्ड का, बढ़िया क्वालिटी का बाजार ये है। हाँ ये महाराष्ट्र वालों के लिए ज़्यादा बढ़िया, रिचर्ड उचर महाराष्ट्र वाले ज़्यादा लेते हैं रेड रिचर्ड, यहाँ पे खिला वरंग चलता है। स्पर और गाला में बात करें? स्पर भी, स्पर का नहीं वैल्यू रहेगी क्योंकि वजन कम है, रॉयल रॉयल है। अगर किसी भी, देखो बाकी तो हम बोलेंगे नहीं इसमें, सबका अपना बिजनेस है, हमारा अपना बिजनेस है, स्पर वालों का अपना बिजनेस है। स्पर जो है मेरे हिसाब से 6500 से नीचे की हाइट के लिए तो शायद ठीक है। जी लेकिन अभी तो जब प्लेन रॉयल आ रहा है तो उसके सामने स्पर मेरे को नहीं लगा कि स्पर उसके सामने कुछ कमाल कर, मेरे पास भी था स्पर, मेरे को नहीं लगा कि उसके सामने वजन नहीं है, साइज़ नहीं है, रॉयल रॉयल है, लेकिन आदमी के पास क्वालिटी बढ़िया है, प्लेन रॉयल है, तो उसका मुकाबला कोई भी सेब आज भी नहीं कर पा रहा। तो स्पर में बाज़ार क्या आज के रहे? वजन ही नहीं आता है, वजन स्पर का ये 18-1900 रुपये बिका है, वजन होता नहीं है पेटी के अंदर। 18 किलो 19 किलो का बॉक्स आता है, साइज़ बिल्कुल छोटा रहता है। गोल्डन का बाज़ार क्या है? गोल्डन 500-550-600 रुपये हाफ बॉक्स बिक रहे। जी और अगर फुल बॉक्स में आता है जैसे 5 लेयर 6 लेयर, उसमें अगर बढ़िया अच्छी क्वालिटी का भरा तो 1000 रुपये तक ट्रे वाला पैक बिक जाएगा, 600-700 रुपये सेपरेटर का पैक बिकेगा। पीएस में बात करें, पीएस का मार्केट आज का? पीएस तुम्बा नाशपति 700-800, 850 रुपये तक, 900 रुपये भी बिकता कोई कोई तो, अगर बहुत साफ सुथरी है जैसे कोटखाई की एरिए की आ रही है तो कोटखाई की 800-900 रुपये बिकता है, बाकी भी अमूमन 600-700 पिक, हम 1000-1200 रुपये हाफ बॉक्स, 2000-2500 बड़ी पेटियाँ बिक रही है। बाबू खोशा भी आ रहा है? नहीं बाबू गोशा तो खत्म है, बाबू गोशा बहा नहीं है, बाकी आप किसानों को पूछो कि इसके पास क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। मेरा ये मानना, मैं तो किसान से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ कि किसान जल्दबाजी ना करें। जी सेब का रेट कहीं नहीं जाता, जिसके पास क्वालिटी बनेगी 2000-2200 रुपये पक्का बिकता रहेगा सेब। आज भी हमने देखा है मार्केट के अंदर काफ़ी, मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार पेटियाँ हैं सोलन मंडी में भी है, तब भी आज क्वालिटी वाले हर आदमी को पूछ लेना, आपने किसी भी आड़त पे जाना, जो 4-5 बड़े बड़े आड़ती है इनसे पूछो कि क्या पोजीशन, अभी 2000-2200 रुपये बिक रहा होगा सेब। बिल्कुल मार्केट में हमने भी अभी ऑक्शनें कवर की हैं तो 2250 एक हाइएस्ट देखने को मिला, और वो भी बहुत सुपर क्वालिटी है। सुपर क्वालिटी है जी।
तो काकू भाई, इसमें के बाद गोल्डन सारी वैरायटी आपने कर दी है, कीवी कीवी को लेकर अगर कीवी का भी अपडेट आपके पास रहता है? कीवी अक्टूबर में कीवी का रेट बहुत ज़ोरदार रहता है। कीवी अगर अच्छी क्वालिटी की छिपा लगी तो अक्टूबर में कीवी का रेट बहुत ज़बरदस्त रहता है। दिवाली की आसपास, दशहरे के आसपास कीवी का रेट बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि बॉम्बे, बिहार, कलकत्ता, इस लाइन में यहाँ से हमारी जाती है कीवी जी। एट प्रेजेंट क्या मार्केट चल रहा है, अगर किसी किसान का कीवी तैयार है वो मार्केट में लेके आए? अभी तो 80-100 रुपए किलो ही बिक रहा होगा आज की डेट में, अभी हमारे पास तो आई नहीं है जी। हम तो सेब में अभी रफ्तार पकड़ी हुई है, हम तो 20 सितंबर के बाद ही कीवी मंगवाते हैं जी। बाकी हाँ, जो ये इनका काम है अभी, ये करते हैं कीवी का काम, हमारा तो 20 सितंबर के बाद कीवी शुरू होगा। ओके भाई साहब, आरती है? हाँ, हनी एप्पल के नाम से। अच्छा अच्छा, जी जी जी। और भाई साहब आप बताएं थोड़ा इस तरफ आए मार्केट, नहीं जनाब जी, कीवी का मार्केट क्या चल रहा है फिलहाल? कीवी सर जो लार्ज साइज़ आ रहा है ना, जिसमें एक किलो में 10 से 12 पीस है, वो 200-225 रुपये बिक रहा है जी। और मिनिमम मैक्सिमम और क्या होगा? जो जीरो साइज़ है तो 60-70 रुपये, अदरवाइज जो मीडियम साइज़ है वो 150-180 रुपये किलो। चलिए, शुभ नाम आपका? मेरा नाम हनीफ है, हनी एप्पल के नाम से फार्म। ओके चलिए, थैंक यू सर। तो चलिए हमारे साथ बागवान भाई भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो हम व्यापारी है हमारे साथ महाराष्ट्र के, सर शुभ नाम आपका? मुजाहिद, महाराष्ट्र हिंगोली जी। आप कितने समय से सोलन मंडी में माल खरीद रहे हैं? सोलन मंडी में हम 2015 से आ रहे हैं। 2015 से। इस साल का मार्केट कैसा लग रहा है? यूनिवर्सल कार्टन आया है, यूनिवर्सल कार्टन की वजह से आपको क्या लगता है मार्केट में किस तरह का बदलाव आया है? बदलाव बोले तो यूनिवर्सल कार्टन में इसलिए आया थोड़ा, जो समझो 6 लेवर जो आ रहा है, 6 लेवर के अंदर किसान क्या कर रहे, 7 लेवर डाल दे रहे हैं। जो पिछले बारे में जो 7 लेवर अलग से निकलता था 30-40 पेटी जो बड़े लाट के अंदर आता था, उसके अंदर थोड़ा हमको बेनिफिट मिल जाता है। इस साल 6 लेवर के अंदर पूरा 7 लेवर आ जा रहा है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा नुकसान हो जा रहा है। बाकी जो भी है तो समझो रेट तो अभी ठीक है, इस रेट के अंदर थोड़ा बहुत पैसा हमारा भी बन रहा है, कभी घट रहा है। जो पिछले 15 दिन पहले जो बाजार थे बहुत हाई फाई रेट हो गया था, इतने रेट में किसान को तो पैसा बन रहा था, हमारा व्यापारी बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गया, नुकसान में। हाँ, मार्केट से ओवर प्राइस चल रहा था। हाँ, बहुत बहुत इतना रेट हो गया था, जब से मैं आ रहा हूँ तब से पहली बार इतना रेट आ गया शेप के लिए। वैसे जो माल मिल रहा है आपको, कितने सेटिस्फाई रहते हैं जो किसानों का माल खरीद के आप ले जा रहे हैं आगे बेच रहे हैं? क्वालिटी वाइज चालू दी वाइज तो अभी देखो जो नीचे बिक रहा है अभी माल, अभी तकरीबन आज के जो बाजार है, अभी जो गणपति की लोडिंग चालू है हमारी, तो अभी बाजार तो ठीक है, अभी 2500, 2600, 2000, 1800 इस रेट में नीचे माल बिक रहे हैं। जो बीगी रेट है वो 1500, 1400, 1300 इस रेट में बिक रहे हैं, पर अभी आगे बाजार का क्या होता है क्या नहीं पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमारे साथ बागवान भाई भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं सोलन मंडी को लेकर और सेब के भाव को लेकर। सर शुभ नाम आपका? जोकिंदर उंटा, कोटखाई। कोटखाई से हैं आप हैं, तो आप क्या लेके आए थे, क्या क्या वैरायटी, क्या क्या माल लेकर आए थे आज मंडी? मैं सर, हमारा तो अभी शुरुआती दौर है, 7000 हाइट पे मेरा ऑर्चर्ड है, मैं रेड गोल्डन लेके आया था और मेरा 1300 रुपये बिका है। तो क्या लग रहा है मार्केट जो चल रही है, सेटिस्फाई हैं? अभी के हिसाब से तो हम सेटिस्फाइड ही है, हमारा तो रेड गोल्डन चला है और अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो 15 दिन पहले मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी, उसकी वजह से लोगों ने कच्चा पक्का सभी मार्केट पे से भेजना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ा मार्केट काफ़ी नीचे आई है। ये मुझे लगता है हमारा पहले भी एक बार चर्चा इस पर हो चुकी है। दरअसल क्या होता है मार्केट में जो है वो पहले तेज़ी के बाज़ार इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में होता नहीं है सेब, फ्रेश सेब आता है और उसके भाव जो है उम्मीद से भी ऊपर रहते हैं, और उसी के चक्कर में हमारा बागवान भाई भी जो है वो भाव, क्योंकि पता है शुरुआत में तेज़ी में रहेगा, वो जल्दी जल्दी जो है वो कच्चा माल भी लेके आता है, ग्रेड प्रॉपर नहीं लेके आता है और उसको भाव मिल भी जाता है। बड़ी बात यह है कि वो ग्रेड इतना अच्छा नहीं होता है लेकिन भाव फिर भी उसे अच्छे मिल जाते हैं, तो उसी चक्कर में कई बार ये चीज़ कॉन्ट्रोवर्सी पिछले हमारी वीडियो पर भी हुई थी। कारण यही रहा कि जो अब ग्रोवर आ रहा है उसका माल बहुत अच्छा आ रहा है, ग्रेड बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन पहले जो है वो कच्चे माल थे वो उससे भी ऊपर के भाव में बिके हैं, लेकिन अब 2000 से ऊपर माल बहुत कम बिक रहा है, बहुत सुपर क्वालिटी, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट सर ये तो ऑर्डर एंड सप्लाई पे है आपका, ऑर्डर एंड सप्लाई की चेन जो चलती है वो तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन किसान एलिवेशन वाइज अगर सेब को तोड़े 5000 वाला 5000 की हिसाब से तोड़े और 7000 की हाइट वाला 7000 के हिसाब से तोड़े, तो मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी रह सकती है मार्केट पे। लेकिन जो ये बाज़ार पिछले 15-20 दिनों में बहुत ऊपर गया, इसकी वजह से कच्चा पक्का माल जो मार्केटों में गया और आगे भी वो हर मार्केटों में पहुंचा, उसके कारण वो कच्चे माल आगे गए उस रेट में शायद नहीं बिके, तो बाज़ार जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट शायद 2024 में, तो हमने इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में कभी नहीं देखा।
यूनिवर्सल कार्टन को लेकर क्या कहना है? सर बहुत ही अच्छा फैसला है हिमाचल सरकार का, बहुत ही सुंदर है, लेकिन थोड़ा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इसमें कम दिखी है, क्योंकि जो ये 12 नंबर 13 नंबर में इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन सी आ रही है। जो अभी हमारे व्यापारी भाई भी बोल रहे थे कि जो 7 लेयर आता था इसमें एडजस्टमेंट में 6 लेयर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप छोटा इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये भरना बहुत टफ है जी। तो थोड़ा धीरे धीरे करके ट्रे का भी इशू है, ट्रे पुराना चल रहा है, ट्रे ठीक आ रहा है, ट्रे जो ट्रे पैक माल है वो बिल्कुल सही आ रहा है इस पर, लेकिन थोड़ा 6 लेयर में इशू है, थोड़ा सा इशू है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो साथियों ये थी सोलन मंडी की अपडेट, और हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई और आरती भाइयों ने जो अपडेट दिया, जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ को इसी तरह के अपडेट के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।